गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 4 जो है एही सुधीर हाँ उसके हमने दो श्लोक जो है वो देखे थे। आज हम बाकी के जो दो श्लोक हैं वो करेंगे। उससे पहले मैं दो श्लोक का रिवीजन ले लेती हूँ। फर्स्ट जो है एही सुधीर एही सुविक्रम खेलांगणम गच्छाम धावन कुर्दन चलई न खेले वज्रकायताम विंदाम। आई रिपीट, एही सुधीर एही सुविक्रम खेलांगणम गच्छाम धावन कुर्दन चलई न खेले वज्रकायताम विंदाम। यहाँ पे जनार्दन हेगड़े जी ने हमारे शरीर के लिए खेल कितना इम्पॉर्टेंट है वो बताया है। खेलने कूदने से हमारा शरीर जो है वो मजबूत होता है। ट्रांसलेशन देख लेते हैं। कम ऑन सुधीर, कम ऑन सुविक्रम, लेट अस गो टू द प्लेग्राउंड, लेट अस अचीव अ स्ट्रांग बॉडी लाइक द वज्र बाय गेम्स रनिंग जंपिंग एंड वॉकिंग। क्लियर। उसके बाद जो है नेक्स्ट श्लोक हमारा है, एही सुशीले एही मृणालिनी पुष्पवाटिका गच्छाम विविधे कुसुमे विधाय मालाम विघ्न विनाशकम अर्चाम। यहाँ पे हमें फूलों की माला से माला बना के गणेश भगवान की पूजा करने की बात की है। यहाँ पे सुशीला और मृणालिनी ये दो नाम है कि गार्डन में जाके अलग अलग पुष्प कलेक्ट करके उसकी माला बनाए और विघ्न विनाश गणेश जी को हम चढ़ाएं। इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। कम ऑन सुशीला, कम ऑन मृणालिनी, लेट अस गो टू द गार्डन बाय मेकिंग अ गार्लैंड ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फ्लावर्स, लेट अस प्रे टू द डिस्ट्रॉयर ऑफ श्री गणेशा। क्लियर। ये दो श्लोक जो है हमने लास्ट वीडियो में देखे थे और उसका वर्ड मीनिंग भी देखा था। आज हम थर्ड जो श्लोक है वो देखेंगे कि जनार्दन हेगड़े जी ने थर्ड श्लोक में हमें जो है ज्ञान के बारे में बताया है। एही दिनेश प्रणव गणेश ज्ञान निधिम सच्ची नुयाम एही शारदे गिरजे वरदे ज्ञान वारी दौ विहराम। आई रिपीट, एही दिनेश प्रणव गणेश ज्ञान निधिम सचिनुयाम एही शारदे गिरजे वरदे ज्ञान वारी दौ विहराम। यानी कि यहाँ पे हमें जो है पहले तीन जो है वो नाम है, फिर शारदे गिरिजे वरदे ज्ञान वारी धौ, वारी ज्ञान वारी धौ यानी कि ज्ञान के सागर में हम विहराम यानी कि वहाँ पे हम घूमें कि यहाँ पे जितना भी ज्ञान हमें है वो कलेक्ट करें। ज्ञान के सागर में हमें बताया है कि हम घूमें कि आओ दिनेश प्रणव गणेश ज्ञान निधिम सचियाम यानी कि यही शारदे गिरजे वरदे कि ज्ञान से ज्ञान के जो सागर है उसमें हम घूमें और उसके बाद जो है ज्ञान की उपासना प्राप्त करें। गिरजे मीन्स है पार्वती और यहाँ पे ज्ञान वारी धो गिरजे शारदे शारदे इसका हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं। कम ऑन दिनेश प्रणव गणेश लेट अस ऑब्टेन कि कलेक्ट द ट्रेजर ऑफ नॉलेज कम ऑन ओ शारदा गिरजे वरदे लेट अस मूव अबाउट इन द सी ऑफ नॉलेज। आई रिपीट होल ट्रांसलेशन, कम ऑन दिने ओ दिनेश प्रणव गणेश लेट अस ऑब्टेन द ट्रेजर ऑफ नॉलेज कम ऑन ओ शारदे गिरजे वरदे लेट अस मूव अबाउट इन द सी ऑफ नॉलेज। क्लियर। इसके बाद वाला जो श्लोक है वो इस श्लोक में हमें देशभक्ति के लिए यानी कि देश के लिए कुछ कार्य करने चाहिए। तनवा मनसा हितम चरंतः सदा गुरुन अनुगच्छाम भारत मातु सेवा सत्कार देश हितार्थ जीवाम। आई रिपीट,
तन्वा मनसा हितं चरन्तः सदा गुरुन अनुगच्छाम। भारत मातु सेवा सत्कार देश हितार्थ जीवाम। यानी कि हमें जो है सदा हमेशा अपने गुरुजन हमारे एल्डर्स उनको फॉलो करना चाहिए और भारत माता की सेवा करनी चाहिए और देश के हित में जो कार्य है वो करने चाहिए। इसका हम ट्रांसलेशन दे लेते हैं कि वी आर डूइंग गुड फॉर पीपल विथ आवर बॉडी एंड माइंड, लेट अस फॉलो आवर टीचर। क्लियर। सेकंड लाइन जो है कि मदर इंडिया शुड बी सर्व एंड फेलिसिटेड, लेट अस लिव फॉर द वेल बिगिनिंग ऑफ द कंट्री। आई रिपीट होल ट्रांसलेशन। वी आर डूइंग गुड फॉर पीपल विथ आवर बॉडी एंड माइंड, लेट अस फॉलो आवर टीचर। मदर इंडिया शुड बी सर्व एंड felicitated, let us live for the well beginning of the country। understood। यहाँ पे हमारे जो चार श्लोक है वो चारों श्लोक का ट्रांसलेशन खत्म होता है। बाकी के जो दो श्लोक हैं उनके वर्ड मीनिंग यहाँ पे दिए गए हैं। ज्ञान निधि ट्रेजर ऑफ नॉलेज सचिनु याम ऑप्टेन ज्ञान वारी दो इन द सी ऑफ नॉलेज विश्राम मूव अबाउट तनवा विद द बॉडी मनसा विद द माइंड जीवा लाइ अर्चा वर्शिप देश हितार्थ फॉर द कंट्री वेल बिगिनिंग एंड सेवा सत्कार सर्विस एंड फेलिसिटी। ये थे हमारे वर्ड मीनिंग। यहाँ चारों श्लोक हमने खत्म किए हैं। चारों श्लोक का देखा आपको ये सारा जो है वो आपको अपने नोट्स में लिखना है। उसके बाद जो है एक्सरसाइज में फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रोनाउंसिएशन, जो मैंने चालू श्लोक में जो करवाए थे फिर से हम वही वर्ड जो है वो रिपीट करते हैं कि सुविक्रम खेलांगणम वज्रकायताम मृणालिनी कुसुमे विधाय सचिनुयाम ज्ञानवारी दौ अनुगच्छाम। ये जो सारे थे हमारे पेज नंबर 16 पे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन 4 फर्स्ट स्वाध्याय में है। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें श्लोक पूर्ति है। कंप्लीट द फॉलोइंग श्लोक जो है वो तीन श्लोक जो है वो आपको टेक्स्ट बुक्स में देख के लिखने है। उसके बाद जो है वो थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है वो वर्ब जो है पोयम में जो वर्ब दिए गए हैं कि एग्जांपल में जैसे यानी कि फर्स्ट जो था गच्छाम जो गच्छाम दिया है उसी तरह से एग्जांपल दिया है पोयम में जितने भी ऐसे वर्ड हैं वो हमें लिखने हैं। तो अर्चाम है जीवाम बिंदाम विहराम एंड अनुगच्छा इतने वर्ड वर्ब हैं जो हमें पोएम में से कलेक्ट करने लिखने थे। क्लियर। क्वेश्चन 4 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन संस्कृत। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वज्रकायताम कथम विंदाम, वज्रकायताम कथम विंदाम, तो किस तरह से हमें अपनी बॉडी जो है वो मजबूत बनानी चाहिए। तो कैसे बनानी चाहिए तो फर्स्ट श्लोक में जनार्दन हेगड़े जी ने बताया कि धावन कुर्दन चलई न खेले वज्रकायताम विंदाम, यानी खेल कूद से हम अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाएं। सेकंड क्वेश्चन है कुसुमे कम अर्चाम, हाँ कुसुमे यानी फूलों से किसी हम पूजा करेंगे तो विघ्न विनाशकम। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है कुसुमे विघ्न विनाशकम देवम अर्चाम। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है कश्य हितार्थ जीवाम, उसका आंसर है किसके लिए, मतलब कश्य हितार्थ जीवाम, तो लास्ट श्लोक में जो बताया है किसके हित में जीना चाहिए तो वयम देशस्य जेतार्थ जीवाम। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है सदा कान अनुगच्छाम,
थर्ड श्लोक में है, फोर्थ श्लोक में है सॉरी, कि हमें सदा किसको फॉलो करना चाहिए, तो वयम सदा गुरुजनानाम अनुगच्छाम, सदा हमें हमारे गुरुजन और एल्डर्स को फॉलो करना चाहिए। ये थे हमारे चारों श्लोक। मैं फिर से एक बार चारों के आंसर रिपीट कर देती हूँ, लिसन केयरफुली। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर है धावन कोर्दन चलई न खेले वज्रकायताम विंदाम। सेकंड जो है कुसुमे विघ्न विनाशकम देवाम अर्चाम। थर्ड जो है वयम देशस्य हितार्थ जीवाम। फोर्थ है वयम सदा गुरुजनानाम अनुगच्छाम। इसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है फॉलो द एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल में गच्छ है, नय है, ये सब रूट, इसको रूट बोलते हैं, धातु बोलते हैं, और जो गच्छाम ये हमारा क्रियापद कंप्लीट होता है। गच्छ धातु दिया गया है और हमें यहाँ पे क्रियापद गच्छाम, नय तो नयाम, पीब तो पीबाम, अनुगच्छ अनुगच्छाम, विंद विंदाम, ऐसे करके लिखना है। हम ऐसे और भी कई सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, या अपने आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। यहाँ पे हमारा फोर्थ चैप्टर जो है वो ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज, श्लोक, श्लोक का ट्रांसलेशन, वर्ड मीनिंग सब कुछ यहाँ पे करवाया है। सैटरडे इसी चैप्टर का हम डाउट सेक्शन रखेंगे। अगर किसी को भी इस चैप्टर में डाउट हो तो वो सैटरडे को मैं टाइम शेड्यूल जो है वो कर दूंगी, हम वह उसमें ज़्यादा देखेंगे। और आज जो है मैंने पीडीएफ भेजी है वो आपको अपनी नोटबुक में ग्रामर पार्ट पीछे करके, पीछे जो है नोट के संस्कृत की, आगे जो है हम चैप्टर और ट्रांसलेशन क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, पीछे पार्ट जो है हम ग्रामर पार्ट करेंगे, उसमें आज जो मैंने पीडीएफ भेजी है वो आपको लिखनी है। ओके, बाय, हैव अ गुड डे।